हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिनव्हील की रेसिपी। इसे हम वेजिटेबल व्हील्स भी बोल सकते हैं। बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, इसका टेक्स्चर जितनी अच्छी है देखने में है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया एक बाउल, बाउल में डाल रही हूँ 2 कप मैदा। मैंने इसको पहले से छान लिया था, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक, थोड़ी सी अजवाइन है, मैंने इसको क्रश करके डाला है इस तरीके से, 1 चम्मच रिफाइंड तेल है। अब हम फटाफट से इसे पहले ऐसे ही मिला लेते हैं ताकि जो रिफाइंड तेल है ना वो सारी मैदे में अच्छे से एब्जर्व हो जाए इस तरीके से। तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। जब आपका ये मिल जाए ना तो आपको बाद में इसकी हल्की सी बाइंडिंग करके देखनी है इस तरीके से। बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ये। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी। अब पानी का यूज़ ना एक साथ ना करें, वरना क्या होगा, जो हमारा डो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें इसका बहुत सॉफ्ट डो लगाना है, इसलिए पानी का यूज़ थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए जो हमारा डो है ना वो लगने वाला है। मैं थोड़ा सा इसे गूंथ लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसमें क्या करूँगी, 1/2 चम्मच ना थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालूँगी। इससे क्या इसकी सॉफ्टनेस ना बनी रहेगी। तो अब मैं इसे फटाफट से इस तरीके से मिला लेती हूँ। ये देखिए, यकीन मानिए हमारा जो नाश्ता बनेगा ना इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप बार बार बनाएंगे। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो हम फटाफट गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर रख दिया एक पैन। अब पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल दिया 1 चम्मच। जीरे को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बहुत हल्का सा रोस्ट करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ऑनियन, मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। तो हमें ऑनियन को ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो निकल जाए। ये 4 हरी मिर्ची हैं, मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। हम फटाफट से इन्हें भी भून लेते हैं। तो मैंने इनको भी भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर, मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब मैं फटाफट से इसको मिला लेती हूँ। तो मैंने इसको भी मिला लिया है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इसका लुक और टेक्स्चर बहुत ही स्पाइसी लग रही है। 1 शिमला मिर्च, अब हम इसको भी मिला लेते हैं फटाफट से। जो शिमला मिर्च का टेस्ट है ना वो इसमें इतना अच्छा आता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चों को तो ये फेवरेट बन जाएगी। ये 1/2 चम्मच ना रेड मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट है। मैं इनको बना के स्टोर कर लेती हूँ पहले से ही। अब मैं फटाफट से इनको मिला लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, हमने इन्हें मिला लिया है अच्छे से। अब ये 1 चम्मच रेड मिर्ची, ये 1/2 चम्मच है गरम मसाला, 1 चम्मच है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर। मैं इनको फटाफट से मिला लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। आप इनका लुक और टेक्सचर देख ही सकते हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ नमक। अब हम फटाफट से इसे मिला लेते हैं। यकीन मानिए इस तरीके से जो नाश्ता बनेगा ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। देखिए देखने में कितनी स्पाइसी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, जो बॉईल किए हुए आलू है ना इसमें मिला लेते हैं। इसका टेक्सचर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास ये 4 बॉईल किए हुए आलू हैं, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैश करके डाल रही हूँ, आप चाहे काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो 4 आलू थे ना वो उसमें डाल दिए हैं। फटाफट से मसाले की कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आ रहा है ना देख के मुँह में पानी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम फटाफट से ना हरा धनिया मिला लेते हैं। हरे धनिया से क्या होगा, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एक इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए, हमने हरा धनिया भी मिला लिया है।
तो इसका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए, लग रहा है कि इसको ऐसे ही खा लिया जाए। तो चलिए फटाफट से हम इसे नाश्ते में बना लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में। ये देखिए गर्मा गर्म हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। हम फटाफट से अब रेडी करते हैं अपना नाश्ता। तो चलिए हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारा डो है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं स्लेब पे। अब हमें इसके इक्वल दो पार्ट करने हैं, तो मैंने दो लोइयों के पार्ट कर लिए हैं। तो एक को तो मैं रख देती हूँ प्लेट में और एक को फटाफट से हम जैसे रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से हम लोई बना लेते हैं इसकी। अब मैं फटाफट से मैदे का कोट कर रही हूँ। आप चाहें तो आटे का भी कर सकते हैं, पर घी और तेल का यूज़ आपको नहीं करना है, वरना क्या होगा जो हमारी ये रोटी है ना वो चिपक जाएगी और आप नहीं बना पाएंगे इसे। आपको इस तरीके से इसको बेलना है, लंबी गोल चौकोर कोई शेप नहीं है, आप जैसी भी बना पाएँ आप वैसे ही बेलें, पर थोड़ी पतली रखें, एकदम इसको मोटा ना रखें। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब आपको क्या करना है मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमें इतनी पतली चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। अब जो हमारे पास स्टफिंग है ना, मैंने दो रोटी के हिसाब से बनाई थी चार आलू की, तो जो हमें इसमें से हाफ निकाल लेती हूँ और हाफ मैं दूसरी वाली में भर के बनाऊँगी। तो इस तरीके से इसको अच्छे से फैला लें, चाहे तो हाथों की सहायता से फैला लें या ब्रश चम्मच जिसको भी आप आसानी से समझें उससे लगा लें। तो मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। जो किनारे बचे हैं ना, मैं इन पर भी अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि आप जितनी अच्छे से स्टफिंग फैलाएंगे हमारा नाश्ता उतना ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, जो कोने हैं ना, हमने चारों कोने पर अच्छे से अप्लाई किया है, अब इधर से इसको दबाते हुए आपको ये रोल करना है इस तरीके से, ऐसे। यकीन मानिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, पर मुझे थोड़ी सी नीचे मुझे मैदा लगानी चाहिए थी, मैं लास्ट में भूल गई थी। तो आप जब दूसरी बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, आप मैदे का थोड़ा सा कोट कर लोगे तो बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको इधर से प्रेस करते हुए इसको रोल रोल कर देती हूँ। तो ये देखिए बड़ी आसानी से थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब हमें क्या करना है, चाकू की सहायता से इसके पीसेस कट कर लेने। आपको इक्वल इक्वल पीसेस करने, एक छोटा बड़ा ना करें इस तरीके से। तो मैंने सारे इसके पीसेस कट कर लिए, आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा फालतू पार्ट है मैंने निकाल दिया है। अब आपको एक एक लोई लेनी है और इसको हाथ पे रखना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है इस तरीके से। तो लीजिए हमारा एक पिन व्हील रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा लेते हैं और इसको भी इस तरीके से दबा देते हैं, तो हमारा दूसरा भी रेडी हो गया। हमें ऐसे सारे रेडी करने, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आप इनको इसी तरीके से बना के रख लें। तो ये लीजिए हमारी एक रोटी से इतने सारे बने हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर लुक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट दूसरी भी बना लेते हैं। ये भी हमें उसी प्रोसेस से बनानी जैसे हमने वो पहली वाली बनाई थी। कोई भी शेप नहीं है, गोल लंबे चौकोर आप जैसी चाहें बेल लें। नाश्ता तो वैसे ही बनेगा, टेस्ट भी उसका वैसा ही होगा। मैं आपको नहीं बोलूँगी आपको गोल ही बेलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए बस, ये देखिए। अब हम जो बाकी की स्टफिंग थी ना, हमने सारी निकाल ली है रोटी के ऊपर। अब मैं फटाफट से इसको फैला लेती हूँ। तो मैंने इसको चारों कोने पे कर दिया अच्छे से अप्लाई, थोड़ा से मैं अच्छे से और फैला लेती हूँ। अब हम देखना ये बड़ी जल्दी से फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि नीचे थोड़ी सी मैदे का कोट कर लिया था मैंने। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारा चिपक जाएगा फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप इस तरीके से आटा या मैदे का कोट करते रहें, बहुत ही आसानी से बिल भी जाएगा। तो ये लीजिए हम फटाफट से इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने इसके पीसेस पहले की तरह कट कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, ये देख ही सकते हैं आप। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, इससे गोल गोल कर लें, हल्का सा हाथ से दबा दें, इससे क्या इसकी शेप और भी अच्छी हो जाएगी, लुक वाइज और भी अच्छे लगेंगे।
इस तरीके से कर लें और ऐसे दबा दें इस तरीके से। ये देखिए, तो मैं फटाफट से सारे रेडी कर लेती हूँ इसी तरीके से, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो ये लीजिए, मेरी जो दो लोइयों से जितने सारे पिन व्हील बने हैं वो यही हैं। अब हम फटाफट से इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, शेलो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन रख दिया है गैस के ऊपर। अब मैं इसमें 4 चम्मच रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच हो गया है, अब हल्का सा प्री हीट करना है इसको। अब जितनी भी आपकी टिक्कियाँ आ सकती हैं ना इसमें, इतनी आप लगा लें इसमें। तो मेरी ये इतनी आई है, तो मेरी एक बार में 8 टिक्कियाँ आई हैं। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप ज़्यादा सेक सकते हैं, छोटा हो तो थोड़ी कम सेक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको हल्का सा फोक से इस तरीके से टच कर दें और इनको देखिए पलट के कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं, क्रिस्पी भी हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखिए, जो हमारी टिक्कियाँ हैं ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। हल्का सा पलट लेती हूँ, ये देखिए मैंने इसको हल्का सा पलट लिया है, जो कलर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अब हम इन्हें फटाफट से निकाल लेते हैं प्लेट में, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं तलेंगे हम। तो ये लीजिए, मैंने अपनी जो सारी टिक्कियाँ हैं ना, पिन व्हील हैं, वो सारे निकाल लिए प्लेट में। अब हम फटाफट से जो रखे हुए हैं उन्हें भी तल लेते हैं इसी प्रोसेस से। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल और अब मैं फटाफट से इसमें लगा देती हूँ जितनी भी आती हैं, थोड़ा पास पास करके लगाऊंगी इस बार। और तो ये लीजिए, मेरी एक टिक्की और फालतू आ गई है इसमें। अब हम इन्हें फटाफट से पलट देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही हैं, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, इनमें बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब हम इन्हें फटाफट से निकाल लेते हैं क्योंकि मेरी ये भी रेडी हो चुकी है। अब अगर इन्हें ज़्यादा सेकेंगे तो थोड़ी कड़वाहट वाला टेस्ट आ जाएगा इनमें, तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये लीजिए, हमारी सारी पिन व्हील हो गई हैं रेडी। अब मैंने निकाल लिया इनको प्लेट में और मैंने इनके ऊपर ना थोड़े से जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं ना वो गिरा दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं, टेम्पटिंग लग रही हैं। और हल्के हल्के धनिया के पत्तों से कर दिया मैंने इनको गार्निश। आप इन्हें चाय, सॉस, चटनी, सब्जी किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे ही दोगे तो वो ऐसे भी खा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितने कुरकुरे हैं, ये देखिए। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए इनका लुक और टेक्सचर जितनी ज़्यादा अच्छी है देखने में है ना फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा अच्छी है खाने में है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। बाय बाय।